हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज एक इनर लेग्स का वर्कआउट अपलोड करने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे डीएम्स आए थे मुझे इंस्टाग्राम पर, और आकाश स्पेशली आपके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीछे पड़े थे कि इनर लेग्स का वर्कआउट आप डालने के लिए। तो हेयर लेस तो तीन चार एक्सरसाइज का ये वर्कआउट होगा, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अडक्टर मसल्स जो होती हैं हमारे बॉडी की, वन ऑफ द मेजर मसल्स होती हैं ये अडक्टर मसल्स होती हैं। ये पेल्विक बोन मींस जो आपकी हिप बोन होती है, फीमर और अपर लेग बोन से जुड़ी हुई होती है। ये बॉडी की वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट मसल है, तो इसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो हमारी एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बल्गेरियन स्प्लिट है। इसमें हम कैसे करेंगे, आपको ये वर्टिकल लेग्स जो हैं आपको ये वर्टिकल रखनी है एकदम फ्रंट से दोनों एंगल से, और इस तरीके से आपको क्रॉस करके आपको टांगों को मूव करना है। तो ये बहुत सिंपल है, आप देखिए, अब इसको मेरे को जैसे मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको ये फॉलो करना है। ये बेसिक लेवल है, अब आपको इसको थोड़ा सा एडवांस करना है, तो आप कोई भी अपने हिसाब से वेट कैरी कर सकते हैं स्मूथली। इस तरह से 14 टू 15 रेप्स आपसे आपको करने हैं, और तकरीबन चार सेट आपको इसके मारने हैं, कम से कम चार, तब आपको इसका अच्छा असर दिखेगा। तो ये आपकी इनर थाइस को बहुत अच्छे से ट्रेन करेगा। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। अब आती है अगली एक्सरसाइज की बारी। तो आपको डंबल लेना है अपने वेट के हिसाब से, आपको अपने लेग्स नैरो स्टांस में लगाकर क्लोज में रखने हैं, और आपको सिंपल स्क्वाट्स करने हैं। इजी, चेस्ट आपको अप रखना है, चेस्ट आपका नीचे झुका नहीं होना चाहिए, चेस्ट एकदम अप होना चाहिए, और एकदम स्मूथ आपको नीचे जाना है, और आपको स्ट्रेच को फील करना है आपको अपनी इनर लेग्स के अंदर। तो ये बहुत अच्छे से फील होगा आपको, ईजी। वही सेम 14 टू 15 रेप्स, 4 सेट मिनिमम। वेट आप बढ़ा सकते हैं ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। थर्ड एक्सरसाइज हम करते हैं अ सिंगल फॉर्म ऑफ लेग प्रेस। ये थोड़ा एडवांस एक्सरसाइज है, थोड़ा ध्यान से करना है, अपनी हैंड की पोजीशन सही रखनी है, टांग को आपको वर्टिकली टिल्ट करके ऊपर की तरफ रखना है, और वेट बहुत कम रखना है। वेट ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वेट उठेगा नहीं। तो डोंट डू एनी ईगो लिफ्टिंग, जस्ट सी व्हाट हाउ आई एम डूइंग। तो इसी तरह से आपको ये टिल्टेड लेग प्रेस करना है एक विद ईच लेग, सेम 12 टू 14 रेप्स, 3 टू 4 सेट्स आपको ये करने हैं, ईजी। अब हम दूसरी लेग का करते हैं। इसमें ध्यान यही रखना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आपको स्मूथली वेट नीचे लाना है। आपको ऐसा नहीं है कि वेट आप सीधे फेंक रहे हो, बस नीचे लेके आ रहे हो और आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको। ईजी, एकदम स्मूथ, योर ईच रेप शुड फील ऑन योर मसल्स। बहुत स्मूथली आपको ये करना है, और आपको 45 डिग्री तक एटलीस्ट ये नीचे लेके आना है लेग प्रेस का। मैंने देखा है लोग लेग प्रेस करते हैं तो बस अपनी ईगो को लिफ्ट करने के लिए वेट उठाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। डीप मीन्स डीप, तो इट शुड बी लाइक दिस, ओके। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे। आपको एक बारबेल लेनी है, बारबेल लेके आपको अपनी टांगों का स्टांस कैसे रखना है आप वीडियो में देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको लेग्स का स्टांस रखना है, चेस्ट आपको अप रखना है, अब आप नीचे बेंड करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये रेप्स निकालने हैं, जितने आपसे रेप्स निकले, वेट लगाना नहीं इसमें, इसमें वेट कैरी होगा ही नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइज, ओके, ईजी अकॉर्डिंगली। जिस तरीके से स्टांस से आपके, अब आपको दूसरी टांग से भी ऐसे ही स्टांस रखना है, और अब हम दूसरी टांग से इसको फॉलो करेंगे, लेग से सॉरी सो कॉल्ड टांग, ओके। तो हम इसको ऐसे अपने दूसरे लेग से भी परफॉर्म करेंगे, इजी। वही 12 से 14 रेप, जब फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज, आपको अपने इनर थाई को स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से एक हाथ से आपको अपने आप बॉडी को कंट्रोल करना है, टांगों को एक अपवर्ड मूवमेंट में रखना है, और पूरे वेट को आपको अपनी थाई के ऊपर डालना है। इसी तरीके से आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, जितना आप कर पो, चार सेट मारने हैं जैसे हमने इस लेग से किया। अब हम अपनी दूसरी लेग से करेंगे, तो सेम आपको दूसरी तरफ से भी ये परफॉर्म करना है। थोड़ा सा स्ट्रेच को ग्रेजुअली अलग अलग एंगल से फील करने के लिए आप अपने हिप को मूवमेंट दे सकते हैं, ये आपके प्लांक का भी काम करता है, थोड़ा आपके ऐप पर भी फील होगा, बट बेसिकली ये थाई पर ही फील देगा अगर आप अपनी पूरे बॉडी का वेट थाई के ऊपर डालेंगे। तो इस तरीके से आपको ये वर्कआउट फॉलो करना है। ये फर्स्ट लेवल वर्कआउट है, अगला लेवल का वर्कआउट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।